पुलिस महानिरीक्षक दक्षिण रेंज जेपी सिंह आज नाहन पहुंचे। जेपी सिंह ने कहा कि नाहन देश भर में आपसी भाईचारे व सौहार्द बनाने के मामले में अव्वल है। उन्होंने नाहन में स्वयं सेवाएं दी हैं और वो नाहन को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल होने के पश्चात कुछ अफवाहों ने शहर का माहौल बिगाड़ा और शांति भंग हुई। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया का सावधानी और सतर्कता से प्रयोग करने का आह्वान किया। इस दौरान आईजी ने जिला के पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली और जिला में पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। मीडिया से रूबरू होते हुए आईजी जेपी सिंह ने कहा कि जिला में ड्रग्स के प्रति विशेष अभियान चलाने को लेकर सिरमौर पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। नशे के मामले में पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष क्राइम के मामले में और अधिक सुधार लाने को लेकर भी कहा गया है। क्राइम में स्टैटिस्टिक्स को देखा और करीब करीब पिछले साल के बनिस्पत बराबर ही है स्थिति। कुछ हेड्स में थोड़ा कम है, कुछ हेड्स में कहीं हमारे केसेस ज्यादा हुए हैं, कुछ हेड्स में कम ही हुए। ओवरऑल सिचुएशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ जिला पुलिस से कि हमारे फिगर्स पिछले साल के बनिस्पत बेहतर हों। लेकिन ये भी सच है कि हमारा जो फोर्स है काफी दिन तक जो पार्लियामेंट्री चुनाव है उसमें भी डीजी रहे, फोर्स बाहर के जिलों में भी गई। वी आर गोइंग टू लॉन्च स्पेशल कैंपेन्स टू इंक्रीज द सीजर और ड्रग्स वगैरह पर हम लोग विशेष एक गहन अभियान चलाने की योजना बना रहे हैं। आईजी जेपी सिंह ने नाहन में बीते दिनों गोकशी फोटो वायरल मामले में भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया डबल वेपन है। सोशल मीडिया का बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। एक छोटी सी गलती माहौल बिगाड़ सकती है, शांति भंग हो सकती है, इसलिए लोगों को सोशल मीडिया का प्रयोग सतर्कता से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाहन के लोग बेहद शांति प्रिय हैं, आपसी भाईचारा और सौहार्द सभी धर्म के लोगों में बना हुआ है। उन्होंने नाहन में बतौर एसपी सेवाएं दी हैं, वो नाहन को बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन बीते दिनों कुछ अफवाहों से माहौल बिगड़ा और कई तरह की घटनाएं नाहन शहर में सामने आई। आजकल हम लोग सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं और सोशल मीडिया इज ए डबल एजेड वेपन। तो जहाँ पर सोशल मीडिया का जो आउटरीच है बहुत बड़ा है, मिनट्स में सेकेंड्स में हजारों करोड़ों लोगों के पास चीजें पहुंच सकती हैं, लेकिन अगर कोई गलत सूचना को फैलाया जाए, अफवाह को फैलाया जाए तो ये बहुत डिवास्टेटिंग हो सकता है। इसलिए जितने लोग सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं मेरे वजह से कोई अफवाह तो नहीं फैल रहा है, सामाजिक सद्भाव को तो नहीं धक्का लग रहा है और कोई ऐसा बात तो नहीं हो जाए जो हमारे राज्य के लिए, हमारे समाज के लिए खतरा हो सकता है, गलत समस्या पैदा कर सकता है। ये इंसिडेंट मुझे लग रहा है कि इसी तरह का है। कुछ असामाजिक या शरारती तत्व ने इस चीज को इस रूप में पेश किया जिससे कि नाहन मैं रहा हूँ, नाहन को मैं जानता हूँ, यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं। एक जो सांप्रदायिक सद्भाव नाहन में देखने को मिलता है शायद पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। नाहन कैन बी रोल मॉडल, इतना बढ़िया यहाँ का रहा है, इतिहास रहा है, हर प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं और सब में सद्भाव होता है। तो किसी ने ये शरारत किया है और इस पर उत्तर प्रदेश में भी केस दर्ज हुआ, फिर यहाँ पर भी केस दर्ज हुआ है। बाद में पता चला गया कि जिस प्रतिबंधित जानवर की बात की गई वो जानवर है ही नहीं। तो ये अफवाह के वजह से ये तमाम चीज़ें एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, इसमें मुकदमा हुआ है, जांच हो रही है। आईजी जेपी सिंह ने बीते दिनों काला अंब में तैनात हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया में डाले जाने के मामले में भी अपनी बात रखी और कहा कि पुलिस कर्मचारी अधिकारी अगर किसी भी तरह की परेशानी या फिर दबाव में होते हैं तो वो अपनी परेशानी समस्या को उच्च अधिकारियों के पास रखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो डालने और अधिकारियों पर सवाल उठाने जायज नहीं है। अगर समस्या थी तो उच्च अधिकारियों के पास शिकायत व अपना पक्ष रखना चाहिए था। कोई भी फोर्स का कर्मी इस तरह से सोशल मीडिया में नहीं जा सकता। हमारे यहाँ पुलिस विभाग में जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो एट प्लेस है और किसी भी पुलिस कर्मचारी को अपने सीनियर से या अन्य व्यक्तिगत कारणों से, प्रोफेशनल रीजन से किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो
उसको वरिष्ठ अधिकारी से उठा सकते हैं। जैसे जिला स्तर पे अगर किसी भी कर्मचारी को दिक्कत है तो एसएसपी लेवल पे उठाते हैं, यहाँ रिटायर नहीं हुआ तो हमारे से रेंज लेवल पे आते हैं, और हर जिले से हमारे रेंज के सिपाही कर्मचारी आते हैं और हमारे लेवल पर मिलते हैं। अगर हमारे लेवल पर समाधान किसी वजह से नहीं हुआ तो हम लोग उसको एस्केलेट करके डीजी साहब के लेवल तक भी भेजते हैं। तो ये मैकेनिज्म तो है, बट अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म को इस्तेमाल नहीं करके फिर सोशल मीडिया में जाता है, पब्लिक में जाता है, तो वो भी एक तरह से जो विभागीय जो प्रक्रिया है उसका अवहेलना ही हुआ, और ऐसे डिसिप्लिन कोर्स में ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.के।